आज का जो हमारा विषय है वो बहुत सुंदर विषय है, दार्शनिक विषय है। परिणाम को सुधारना पुरुषार्थ नहीं है। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। इसके अंदर दो शब्द आए, एक तो परिणाम, एक पुरुषार्थ। दोनों को समझना बहुत जरूरी है। और इसको समझने के बाद में हम निर्णय करेंगे कि जो परिणाम हमको मिल रहा है उसको सुधारना पुरुषार्थ है या पुरुषार्थ कोई अलग चीज है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि परिणाम किसे कहते हैं। परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट। जब हम परीक्षा दे देते हैं तो परीक्षा देने के बाद के अंदर, चाहे वह सेकेंडरी की हो, हायर सेकेंडरी की हो, ग्रेजुएशन की हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, धार्मिक हो या कोई भी व्यवसायिक शिक्षा हो, तो वो देने के बाद के अंदर जो है, हम थोड़े समय के बाद इंतजार करते हैं कि उसका हमें रिजल्ट मिलेगा। उसका हमको रिजल्ट मिलता है, फेल मिलता है या पास मिलता है या मेरिट में आते हैं या जो है, जो भी चीज होता है उसका रिजल्ट मिलता है। इस रिजल्ट को परिणाम कहा जाता है। तो हमारा ये जो जीवन है, जीवन क्या है कि जन्म से लेके मृत्यु, जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच का जो पीरियड है वो जीवन है। इसको हम आयुष्य कर्म कहते हैं। ये आयुष्य कर्म हम पीछे से लेके आए हैं। हमने एग्जाम पिछले जन्म में दिया था और परिणाम इस जन्म में मिल रहा है। देखिए, क्या हमने एग्जाम पिछले जन्म में दिया है और परिणाम इस जन्म में मिल रहा है। जो हमने कॉजेज पीछे जन्म में डाले थे, भाव कर्म किए थे, वो आज सारे भाव कर्म हमारे द्रव्य कर्म रूप में होकर के और उदय काल में होकर के हमको परिणाम देते हैं। प्रारब्ध बन करके वो हमको परिणाम देते हैं। तो देखिए कि जन्म से मृत्यु तक के बीच की कोई फिल्म है 60 वर्ष की, तो उस फिल्म जो है ये प्रतिदिन फिल्म चलती रहती है और प्रतिदिन हमको रिजल्ट मिलता रहता है। वो रिजल्ट है, वो हमारा परिणाम है। और वो रिजल्ट एग्जैक्टली वही है कि पिछले जन्म के अंदर हमने कैसा पेपर हल किया है। क्योंकि परिणाम तो पेपर जो हमें मार्क्स मिलेंगे वो तो हमारे कार्य के अनुरूप ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने 100 में से 50 नंबर का कार्य किया और एग्जामिनर हमको 100 में से 100 देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कर्म सिद्धांत तो परफेक्टली ईश्वर का रूप है, वो कोई पक्षपात नहीं करता है। आपने जैसे जैसे क्वेश्चंस पीछे जन्म में हल किए, जो कॉजेज पीछे जन्म में डाले हैं, जो भाव कर्म पिछले जन्म में किए हैं, उसी के ठीक अनुरूप ही इस जन्म में द्रव्य कर्म रूप के अंदर आपको परिणाम मिलेगा और आपको जो है उसके अनुरूप ही सारी ये फिल्म चलेगी। अब देखिए, किसी व्यक्ति के सन्यास का योग है कि पिछले जन्म के अंदर उसने ऐसे भाव कर्म डाले, ऐसे भाव किए कि मैं इस जन्म में जाके सन्यासी बन जाऊं, मेरी शादी ना हो। आपने बार बार भाव डाले, बार बार कॉजेज डाले और वो कॉजेज फलित होकर के और आपका जो है अब ये द्रव्य कर्म बना और आप एक निश्चित समय के बाद के अंदर साधु बन जाते हैं। तो अब ये साधु आप बन गए तो ये तो आपका परिणाम है। ये तो आपने पहले भाव डाला था और ये आपको सारा जो है अब उसका परिणाम मिला। अब आप ये कहते हो कि मैं साधु बन गया, तो ये तो कर्ता भाव आ गया। तो कर्ता भाव आने से कर्म बंधन हो गया और उसको पुरुषार्थ मानते हैं कि साधु मैं बना। अब उसके बाद में और आगे चलिए कि आपने पिछले जन्म के अंदर ऐसे भाव डाले अच्छाई के कि मेरे त्याग हो, मेरे पचकान हो और मैं जो है तपस्या करूं या मैं किसी तरह की धार्मिक प्रवृत्ति करूं, सारी सारी चीजों के भाव आपने, अपन तो अच्छी की बात करेंगे, बुराई की क्या बात करें, बुराई तो वैसे ही बहुत होती रहती है, अपन तो अच्छाई की बात करेंगे। अच्छे अच्छे भाव डाले और उसका परिणाम इस जन्म के अंदर आपको रिजल्ट के रूप के अंदर सब मिलता है कि आप अठाई करने लग जाते हैं, आप बड़ी तपस्या करने लग जाते हैं, आप त्याग करने लग जाते हैं, आप पचकान करने लग जाते हैं और आप विद्वान बन जाते हैं, आप बड़े नेता बन जाते हैं। जैसे जैसे भाव डाले हैं, कॉजेज है, उसी के अनुरूप जो है आपको परिणाम इस जीवन भर के अंदर मिलता रहेगा।